राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते, तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए, दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं, इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए, मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो।